हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि जन्माष्टमी आ रही है, तो सबको नारियल की बर्फी भी बनानी है, धनिये की पंजीरी भी बनानी है और मेवा पाक भी बनाना है। तो चलो आज फिर मैं सारी चीजें आपको दिखाती हूँ एक साथ हम कैसे बनाएं। और थोड़ा सा इन रेसिपीज में टाइम लगता है क्योंकि मुझे जल्दबाजी वाला काम मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, तो आराम आराम से बनाएंगे पूरा समझ के। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ एक कटोरी साबुत धनिया, आप पाउडर धनिया भी ले सकते हैं, थोड़े से काजू बादाम और ये तरबूज के बीज हैं, और शक्कर ली है मैंने थोड़ी सी और देसी घी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है और अभी मैं कोई घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। हल्का सा इसको धनिया को रोस्ट करेंगे और एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम काजू और बादाम को भी थोड़ा सा घी में फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं घी डाल रही हूँ इसमें, छोटी कड़छी है मेरी ये, और इसके अंदर मैं जब ये गर्म हो जाएगा अच्छी तरीके से तो इसके अंदर काजू बादाम और थोड़े से मखाने डाल दूंगी और इनको अच्छी तरीके से रोस्ट कर देंगे। और जब ये हल्के हल्के से चटकने लग जाएं, बादाम चटकने लग जाते हैं, तो समझो बादाम अंदर से रोस्ट हो चुके हैं। तो इनको भी निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। और इतनी देर में मेरा धनिया ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसको भी पीस लेते हैं और जितना बारीक हो सके उतना बारीक पीस लेंगे। और मिक्सी के जार को रोक रोक के मैंने 3-4 बार में इसको धनिया को पीसा है और अच्छे से बिल्कुल बारीक पिस गया है ये धनिया। और वैसे कोशिश करें तो अपने घर से ही धनिया साबुत वाला भून के पीस के बनाएंगे तो हमारी पंजीरी ये बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि अगर हम बाहर से रेडीमेड लेते हैं धनिया तो वो काफ़ी दिन पुराना होता है और उसमें इतनी खुशबू नहीं आती। और बस ये थोड़े से मगज़ रह गए थे रोस्ट करने वाले, तो धनिया और मगज़ में एक साथ ही रोस्ट कर रही हूँ। और जब इसके अंदर से एक बार भी चटकने की आवाज़ आ जाएगी तो मैं बस इसको बंद कर दूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर घी भी ऐड करा है, पहले जो मैंने घी डाला था वो मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा घी इसके अंदर और बढ़ाया है। और एक बार भी चटकने की आवाज़ आएगी तो समझो ये रोस्ट हो चुके हैं। और ये जो मैंने काजू बादाम भी करके रखे हुए थे इनको भी मैं पीस लूँगी। और सबसे पहले इनको ठंडा होने के लिए रखती हूँ और पिसे हुए काजू बादाम भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बस जैसी ठंडी होगी वैसे ही इसके अंदर शक्कर भी मिला दूँगी, क्योंकि गरम गरम में शक्कर मिलाने से फिर वो मेल्ट हो जाएगी और पंजीरी बिल्कुल बेस्वाद हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये पंजीरी की रेसिपी? और मैंने थोड़ा सा आसान तरीके से ही बताया है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी आपको बनाने में। और अब मैं ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी और बर्फ़ी का वीडियो मैं अलग से डालूँगी। अब ये धनिये की पंजीरी तो बन गई, अब बनाते हैं नारियल की बर्फ़ी और सबसे बाद में बनाएंगे पाव। चलो इसको रखते हैं।